आज है 18 मई और गर्मी भी बहुत है। इस गर्मी के मौके पर पूरे रायपुर वासियों के लिए गर्मा गर्म न्यूज ये है कि आज शाम रायपुर में राहुल गांधी जी का रोड शो निकला। पूरे शहर भर में इन्होंने अपनी दस्तक दी, सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित और जोश से भरा। इसी वजह से आज रायपुर में काफ़ी जगह ट्रैफिक भी नज़र आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज राहुल गांधी जी का स्वागत किया गया। उनके यहाँ आने का उद्देश्य था कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को रिचार्ज कर सके और उत्साह से भर सके। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने उसके लिए राहुल जी ने यहाँ पे लोगों को प्रेरित किया। वो तो लवरा बने हैं बात बात में, कब तो नसबंदी में मर गए किसान, दस कुंटल में फंस गए मोदी रोज यहाँ पे रुई दोनों कान में, मोदी रोज यहाँ पे रुई दोनों कान में। जब से बैठित राजा बन के देश राज में मोदी, देश राज में मोदी, काट चिरागे काट चिरागे चावल चिरागे मोदी के भर गए झोली, मोदी के भर गए झोली। रोड शो के दौरान हमने कन्हैया अग्रवाल जी से भी बातचीत की, उन्होंने भी राहुल जी के स्वागत सत्कार के लिए बहुत कुछ किया। हमने चकोरा भाटा की कुछ महिलाओं से भी बातचीत की। नमस्कार सर, टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दीजिए। मैं कन्हैया अग्रवाल, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज राहुल जी का आगमन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष है। राहुल जी का आज रोड शो है, हम सब लोग अलग अलग स्थानों पर स्वागत कर रहे हैं, जिस कड़ी में यहाँ कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। सर, राहुल जी के यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से उद्देश्य एक ही है कि सामने विधानसभा के चुनाव हैं 6 महीने के बाद, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है, उसी के लिए राहुल जी का आगमन हुआ है। साथ ही साथ राहुल जी प्रदेश में जिस तरह से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, व्यापार जगत परेशान है, उन सारी परेशानियों को देखते हुए राहुल जी विभिन्न वर्गों के लोगों से मिले हैं, उनकी यहाँ सभाएँ आयोजित हुई है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए एक वायदा करना और कांग्रेस की ओर से आश्वस्त करना, यह कार्य राहुल जी के द्वारा किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने उसके लिए राहुल जी सबको प्रेरित करने के लिए निकले हुए हैं। सर, तो उनके आने से आपको क्या लगता है कितना असर होने वाला है जनता में? बहुत प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जब भी कोई बड़ा राजनेता आता है तो उसका प्रभाव न सिर्फ कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, आम जनता में एक सीधा मैसेज जाता है, वो मैसेज राहुल जी के माध्यम से भी गया है। कल जैसा उन्होंने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक तरह से प्रेस का गला घोटा जा रहा है, न्यायालय सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, न्यायालय दबाव में है, न्यायाधीश उसके खिलाफ पत्रकार वार्ताएं ले रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र का पूरी तरह से अपमान हो रहा है। ये मैसेज न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में जा रहा है और उससे जनता में परिवर्तन भी निश्चित है। जनमानस में यह बात जब राष्ट्रीय नेता के माध्यम से जाती है तो उसका एक व्यापक प्रभाव होता है और कांग्रेस जन नीचे लेकर के उस बात को हम लोग लेकर के जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने उनका ये प्रयास है और उस प्रयास को हम सब मिलकर के साकार करेंगे, क्योंकि प्रदेश में एक भय का जो वातावरण है भ्रष्टाचार अत्याचार से वो दूर होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम सबको उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी महापुरुषों की कही हुई बात है कि अत्याचार सहने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा दोषी होता है, इसलिए अत्याचार सहने वालों को उठना होगा, खड़े होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तब जा कर के प्रदेश से इस कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस उनके साथ हर कदम पर खड़ी है, उनकी हर समस्या को लेकर के हम आगे आएंगे, उसको निराकृत करेंगे और प्रदेश में सरकार बनेगी तो ये जो भय का वातावरण है, अत्याचार का वातावरण है, वो दूर होगा।
धन्यवाद सर अपना अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। ये चंगोरा भाटा की महिलाएं हैं, तो आज हम इनसे पता करते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा किस एम से हुए हैं, इनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे इकट्ठा होने का। तो आप लोग का क्या उद्देश्य है यहाँ पे इकट्ठा होने का? हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का झोपड़पट्टी जो है ना उठाया जा रहा है, तो हम लोग राहुल गांधी से ना विनती करने आए कि हम लोग का झोपड़पट्टी बचाए वो, क्योंकि हम लोग को नोटिस मिला गया है कि 8 दिन के अंदर हम लोग को झोपड़ी उठा दिया जाएगा। तो अपना पट्टा मिला है हम लोग को राजीव गांधी आवास योजना वाला, तो उसमें ना हम लोग को 30 साल के लिए दिया है। तो अभी 20 साल हुआ है, तो अभी 10 साल बचा हुआ है। हम लोग को झोपड़पट्टी खाली करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग बोलते हैं हम क्यों खाली करेंगे, जब हम लोग पले बड़े वहाँ पे, हमारा ससुराल वहाँ है, हम लोग का मायका वहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग का भविष्य वहाँ पे, तो हम लोग खाली कैसे कर दे। इस उद्देश्य से हम लोग ना वो रोकने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि हम लोग से विनती कर सके हम लोग का झोपड़पट्टी बचाने के लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी आपका ये समस्या पूरा करेंगे? नहीं, इससे बात कर में नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग ना उसके भरोसे में हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि अभी पट्टे के हिसाब से ना 30 साल पूरा भी नहीं हुआ है, तो हम लोग का सहयोग जरूर करेंगे वो। अच्छा, मिला बहुत लोग बोलते हैं कि सुनते हैं करके, हर जगह तो जाके देख चुके एक बार यहाँ से ही। अच्छा, तो बस इसी आस में आप यहाँ पे आए हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कलेक्टर के पास भी गए थे और जून ऑफिस भी गए थे, हम लोग वहाँ भी गए थे, बहुत कोशिश में लगे हुए हम लोग गरीब आदमी लोग। तो ये था इनका कहना कि इनके झोपड़पट्टी को गिराया जा रहा है, तो उसी के लिए इनसे विनती करने आए हैं कि कहीं उनकी थ्रू, उनके द्वारा ये समस्या उनका हल हो जाए।